अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैफ और आप देख रहे हैं हाउ टू यूज यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूं और आज की वीडियो में मैं आप दोस्तों को एक ऐसी एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूं जो किसी आम कंपनी की नहीं है, खुद गूगल की अपनी एप्लीकेशन है। गूगल ने लॉन्च की है हाल ही में, कुछ दिन हुए हैं। दोस्तों किसी आम कंपनी की कोई एप्लीकेशन हो तो कोई मुश्किल नहीं है, जैसे ही गूगल का नाम आ जाता है तो हमें वो डाउनलोड करनी चाहिए और उसको यूज भी करना चाहिए, क्योंकि गूगल की प्रोडक्ट भी कुछ ऐसी होती हैं जो काम वाली होती हैं। दोस्तों जिस मैं एप्लीकेशन की बात करने वाला कर रहा हूं उससे आप दोस्त अपने मोबाइल का डाटा भी बचा सकते हैं, जो सिम से नेट इस्तेमाल करते हैं उसको भी बचा सकते हैं, और जो आपके करीब करीब वाईफाई होगी उसको भी बताएगी वो एप्लीकेशन के कितना दूर है आपसे, और उसकी लोकेशन भी आप दोस्तों को बता देगी। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यहाँ से सब्सक्राइब कर लें और इस बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि जो भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो आप दोस्तों तक सबसे पहले पहुंच जाए, और जिन दोस्तों ने पहले से किया हुआ है तो उन दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों वीडियो को लाइक भी कर दिया करो, इससे हमारा हौसला बढ़ता है और इससे अच्छी अच्छी हम वीडियो लेके आएंगे। तो दोस्तों चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और मैं आप दोस्तों को बता दूं वो कौन सी एप्लीकेशन है और कैसे वर्क करेगी। तो सबसे पहले आप दोस्तों ने होम स्क्रीन पे आ जाना है और अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में चले जाना है। मैं यहाँ से प्ले स्टोर को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर हमने सर्च कर लेना है डेटाली, DATALY। जैसे आप दोस्तों यहाँ पर ये सर्च करेंगे तो देखें यहाँ पर लिखा हुआ आ गया है डेटाली मोबाइल डाटा वीफी आप एंड गूगल। तो आप दोस्तों ने इसके ऊपर ऐसे क्लिक कर देना है, ऐसे क्लिक कर देंगे और आपके सामने ये वाली एप्लीकेशन आ जाएगी, ये वाली देखें दोस्तों डेटाली मोबाइल डाटा सेविंग एंड वीफी आप बाय गूगल। ये गूगल की तरफ से है, इसके 1 मिलियन डाउनलोड हो गए हैं, ये अभी नई नई आई है और 4.2 की रेटिंग है जो कि बहुत अच्छी है। और यहाँ पर आप दोस्तों ने यहाँ से इंस्टॉल कर लेना है, तो मैं भी इंस्टॉल कर लेता हूँ। ऐसे आप दोस्त इसके ऊपर क्लिक करेंगे और नीचे ये देखें एक्सेप्ट, इसके ऊपर आप दोस्तों ने क्लिक कर देना है और ये क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड इंस्टॉल। तो दोस्तों 4 MB की ये फाइल है और जल्दी ही डाउनलोड हो जाएगी। तो देखें दोस्तों ये डाउनलोड हो चुकी है, इंस्टॉल अभी हो रही है। तो आप दोस्तों ने यहाँ से जस्ट इसको ओपन करना है, मैं इसको ऐसे ओपन करता हूँ और ये ऐसे ओपन हो रही है। तो देखें दोस्तों यहाँ से आप पढ़ भी सकते हैं स्टार्ट सेविंग विद डेटाली। तो इसकी कुछ प्राइवेसी पॉलिसी है, आप दोस्तों ने यहाँ से कंटिन्यू कर देना है, ऐसे कंटिन्यू कर देना है। तो आप दोस्तों ने वहाँ से नो थैंक्स करके इस जगह पर पहुँच जाना है। तो यहाँ से आप इसको सेटअप कर सकते हैं और यहाँ से डाटा मैनेज कर सकते हैं, यहाँ से कोई वाईफाई जो नजदीक नजदीक आपके है वो भी आप दोस्तों को बता देगी कि कितना फासले पर है और कैसे उसको यूज या इस्तेमाल कर सकते हैं आप। इसके बाद आप दोस्तों ने यहाँ 3 लाइन के ऊपर ऐसे टैप करना है, क्लिक करना है, इसके ऊपर जैसे ही करेंगे तो ये नीचे देखें ये सेटिंग लिखा हुआ है, इसके ऊपर आप आ जाएंगे और ये नीचे नीचे देखें यहाँ पर लिखा हुआ हेल्प इम्प्रूव डेटाली। तो आप दोस्तों ने यहाँ से इसको ऑन कर देना है, ऐसे ही जैसे ऑन करके आप दोस्त फिर यहाँ से बैक आ जाएंगे। इसकी ये थोड़ी सी सेटिंग मैं आप दोस्तों को बता दूं, और यहाँ से आप दोस्तों ने सेटअप डाटा सेवर के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, तो आप दोस्तों ने यहाँ से अलाउ कर देना है, मैं इसको अलाउ कर, और यहाँ से आप इसको पढ़ भी सकते हैं और यहाँ से आप दोस्तों ने ओके कर देना है। ऐसे ओके करने के बाद ये नीचे देखें ओपन सेटिंग आ जाएगा, तो आप दोस्तों ने इसके ऊपर क्लिक कर देना है और जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये सब के सब ऑप्शन आ जाएंगे। आपने यहाँ पर डेटाली को ऐसे यहाँ से इनेबल कर देना है, इनेबल करेंगे अलाउ एक्सेस, तो आप दोस्तों ने यहाँ पे ओके कर देना है। इसको ओके करने के बाद ये कुछ ऐसे ही नजर आएगी। तो आप दोस्तों ने यहाँ पर डेटा मैनेज पे ऊपर क्लिक करना है, ऐसे इसके ऊपर टैप करना है, तो ये देखें यहाँ पर ये लिखा हुआ है टूडे, यानी कि आज हम दोस्तों ने कितना MB इस्तेमाल की है सेम डाटा की। तो मैंने आज कोई भी नहीं की। यहाँ से आप इस एरो तीर के निशान के ऊपर आप ऐसे क्लिक करेंगे, यहाँ से आप 7 दिन भी कर सकते हैं और यहाँ से आप 1 मंथ भी कर सकते हैं, 1 महीना भी कर सकते हैं। तो मैं 1 महीना सिलेक्ट करता हूँ और ये देखें यहाँ पर कितना हमने कितना MB यूज की है, तो वो यहाँ पर सारी की सारी शो हो रही है। और यहाँ से आप दोस्तों ने ऐसे नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और आप दोस्तों को ये भी पता चल जाएगा कि कौन सी एप्लीकेशन ने कितना इस्तेमाल किया हुआ है। तो सबसे ज्यादा गूगल क्रोम ने इस्तेमाल किया है 6 MB, उसके बाद ईमो है, उसके बाद ये एंड्रॉयड है, और ये जितना जितना जिस एप्लीकेशन ने
यूज की है वो सब की सब यहाँ पर आ चुकी हैं कि किसने कितना ज्यादा किया हुआ है। तो आप इसको मैनेज भी कर सकते हैं, किसको लॉक लगाना चाहते हैं और किसको ओपन रखना चाहते हैं। ये तीन चार ऑप्शन होंगे जो खुद ब खुद अपनी मर्जी से ये आने होंगे। ये मोबाइल के फंक्शन होते हैं, ये देखें ये पहले से ओपन है, और ऐसे देखें नीचे आप देखेंगे तो ये भी पहले से है, ये भी गूगल का है ऐप है, और ये नीचे देखेंगे इसके ऊपर क्लिक करके तो और भी एक दो होंगे जो पहले से ऑन होंगे। अगर आप इसको अभी ये लॉक में है, ये बैकग्राउंड में नहीं चलेगी, अगर आप चाहते हैं तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो, तो ये ऐसे ही जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखें ये ओपन हो चुका है। तो आप जिसको लॉक लगाना चाहते हैं तो उसको ऐसे लॉक कर देना है, और यहाँ से आप दोस्तों ने फिर बैक आ जाना है, और यहाँ से वाईफाई भी आप चेक कर सकते हैं कि आपके कितना नजदीक है और कैसे उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप दोस्तों ने इसके ऊपर यहाँ पर टैप करना है, क्लिक करना है, ऐसे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला पॉपअप आ जाएगा, आपसे पूछ रहा है कि आप अपनी लोकेशन को ऑन कर दें। तो मैं यहाँ से ओके कर देता हूँ, ये देखें ये मेरी लोकेशन ऑन हो रही है। तो देखें दोस्तों जिस वाईफाई से मैं कनेक्टेड हूँ तो यहाँ पर लिखा हुआ है इससे मैं कनेक्ट हूँ, और जो मेरे ये नजदीक नजदीक हैं आसपास हैं उसके यहाँ पर आ गए हैं, और इसको तो लॉक लगा हुआ है, पासवर्ड लगा हुआ है, इसको भी पासवर्ड लगा हुआ है, इसको भी लगा हुआ है, और इसको पासवर्ड नहीं है, और इसको पासवर्ड लगा हुआ है, इसको नहीं लगा हुआ है, इसको भी लगा हुआ है। अगर इनमें से किसी को आप दोस्त इस्तेमाल करना चाहते हैं तो यहाँ से गेट डायरेक्शन के ऊपर आप यहाँ एरो के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको लोकेशन भी बता देगी कि कैसे इस तक पहुंचना है, इस वाईफाई तक कैसे पहुंचना है, तो ये रास्ता भी आप दोस्तों को बता देगी। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन और भी बहुत ज्यादा हैं, कुछ आप दोस्तों ने भी देख लेना है क्योंकि वीडियो लंबी हो गई है, तो मैं नहीं चाहता कि और ज्यादा लंबी हो जाए। तो इस ऐप को डाउनलोड प्ले स्टोर में से भी आप दोस्त कर सकते हैं, और इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से भी आप आसानी से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अब अगर आपका कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।